हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज है 14.1 और क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए। अ मैन गेन 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस। एक व्यक्ति किसी आर्टिकल, किसी भी सामान को, कोई आर्टिकल है, कोई सामान है, उसको बेच करके, किसी प्राइस पर उसे बेच करके 10% का प्रॉफिट कमाता है। इफ़ ही सेल्स एट डबल द प्राइस देन फाइंड द प्रॉफिट। अगर वो उसी सामान को डबल प्राइस पर बेचे तो फिर उसे कितना प्रॉफिट होगा, हमें वो निकालना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको क्वेश्चन? जिसका मतलब हुआ कि वो अगर मान लेते हैं कि एक्स रुपए में बेचता है तो वो उसको 2x डबल प्राइस में बेचेगा, तो बताओ उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकालना है हमें। प्रॉफिट नहीं, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, या जो भी एवर देखते हैं कि प्रॉफिट निकल सकता है या नहीं, या प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, वो और क्लैरिटी हो जाएगी जैसे ही आप इस सम को करते हैं। तो दोबारा से एक बार सम को समझ लीजिए कि एक आदमी किसी सामान को बेचता है किसी प्राइस के ऊपर, किसी रेट के ऊपर, और ऐसा करने पर उसे उसको 10% का प्रॉफिट मिलता है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर वो उसी आर्टिकल को डबल प्राइस पर, यानी कि पहले जिस SP पर इसने बेचा था, जितने सेलिंग प्राइस पर इसे बेचा था, उसके डबल पर अगर वो उसे बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, हमें वो निकालना है। तो चलिए करते हैं इसे, लेट अस डू। तो हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस, लेट द सेलिंग प्राइस इजकल टू ₹x, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज हमें मिला हुआ है 10%। इस दोनों से हम निकाल लेंगे CP। CP इज इक्वल टू फार्मूला होगा SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। ये हुआ इसका फार्मूला। अब इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, SP की वैल्यू क्या है और प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या है। SP की वैल्यू थी x, जो हमने x माननी है, मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू 10 रख दी। अब इसे और सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिलता है 100x बाय में 110, 100 प्लस 10 हुआ 110, 0 से 0 काटने पर आपको मिलता है 10 बाय 11x, 10x बाय 11 आपको CP मिल गया। अब सेकंड कंडीशन जो आ रही है, इसका जो टास्क है ना, जो SP की वैल्यू x रखने का जो फ़ायदा है वो ये है कि हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। अब चाहे वो सेलिंग प्राइस कुछ ही रखे, चाहे प्रॉफिट ले, चाहे लॉस ले, उसके बाद हम नेक्स्ट सिचुएशन पर, नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच सकते हैं अगर हमारे पास CP है। क्लियर हो रहा है? अब इन्होंने कहा कि अगर सेलिंग प्राइस डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। तो ये जो है एक कर लेते हैं कि इतना हमने, ये एक पार्टीशन हो गया, इतना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्टीशन। नाउ इफ SP इज कल टू 2x डबल हो जाए, सेलिंग प्राइस अगर डबल हो जाए तो क्या होगा, और CP है वो हम ऊपर 10x बाय 11 निकाल ही चुके हैं। अब इन दोनों से हमें मिलेगा क्या, प्रॉफिट, क्योंकि जब x बेचा था, x रुपए पर बेचा था तभी प्रॉफिट हुआ था, तो 2x में तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू फार्मूला होता है SP माइनस में CP, जब कम में बेचा गया तो लॉस होता है, और अगर कम में ख़रीदा गया, ज़्यादा में बेचा गया तो प्रॉफिट होता है। तो
तो प्रॉफिट हुआ इसके अंदर SP2X है माइनस में ये है CP। अब हम 2X को कैसे लिख सकते हैं, 2X बाय 1 हो जाएगा ये, और फिर डेनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम इसको ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऊपर नीचे हमने 11 बाय 11 से मल्टीप्लाई किया क्यों, क्या ताकि हमारा डेनोमिनेटर बराबर हो जाए। अगर इसको नीचे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपको मिलता है फिर ये चीज़। अब डेनोमिनेटर बराबर होने के बाद आप न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आपको मिलता है 22x माइनस में 10x 12x और डेनोमिनेटर में 11। इज दैट क्लियर। अब ये जो वैल्यू निकल रही है ये एक्स के रूप में है, हमें एक्स नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर प्रॉफिट ना हो करके यहाँ आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ये छोटी मोटी कई गलतियाँ होई हुई है तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए, बाकी अपने टीचर से आप पूछेंगे, बात करेंगे, और फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्टीशन हो गया। इसको आप अच्छे से देखिएगा, पहले केस में हमने SP को X मान करके CP निकाला, दूसरे केस में जो इन्होंने कहा कि SP की वैल्यू जो है अगर डबल होती, जो पहले थी उसके मुकाबले डबल होती, तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो हमने अभी प्रॉफिट निकाला है, SP 2X मान लिया, CP हमने निकाल लिया था 10X बाय 11, फ्रैक्शन के मेथड को अप्लाई करके हमने प्रॉफिट की वैल्यू निकाल दी। प्रॉफिट कब होता है, जब कभी कम में ख़रीदा गया हो, ज़्यादा में बेचा गया हो, जब एक्स के, जब एक्स वैल्यू एक्स थी तभी प्रॉफिट हुआ था, तो 2X यानी डबल होने पर SP, तब तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, किया ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को माइनस किया, हमें मिलता है 12X बाय में 11, क्योंकि ये एक्स के रूप में ही आ रही है, एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये जो आंसर है, मतलब जो क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गलती है, प्रॉफिट परसेंटेज आना चाहिए। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई में 100, प्रॉफिट की और CP की वैल्यू पुट कर देंगे, प्रॉफिट की वैल्यू रख दी 12x बाय में 11 और CP की वैल्यू 10x बाय में 11। अब हमें क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, डेनोमिनेटर वाले का रेसिप्रोकल, और हमें मिलता है ये 12x अपॉन में 11 डिवाइड में 10x अपॉन में 11, और फिर पहले बोर्ड मास के हिसाब से पहले करेंगे हम डिवीजन, और डिवाइड के राइट हैंड साइड में जो है उसका होगा रेसिप्रोकल। ये हो गया, अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, ये डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, एक्स से ये एक्स कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गई, 11 से ये 11 कट गया, हमें मिलता है 12 और ऊपर 10, तो ये हुआ 120। आप ये जो कैलकुलेशन है कटिंग जो है करके दिखाएंगे अपनी नोटबुक में या आंसर शीट में जब आप टेस्ट कर रहे हैं। ये हो गया 120% आपका आंसर हो गया, हैंस द प्रॉफिट परसेंटेज जो पूछा गया है आपसे वो क्या हो गया, 120%, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर हो गया। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।